स्वागत है दोस्तों विलेसिस ट्रैवलिंग के एक और नए वीडियो में। केरला से कर्नाटक और कर्नाटक से अब मैं आ गया हूँ गोवा में, और इस बार मैं आपको घुमाने वाला हूँ साउथ गोवा, और काफ़ी सारी साउथ गोवा की डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा आप जानते हैं उडुपी से मैं आ गया था वंदे भारत ट्रेन के थ्रू मड़गांव। तो मड़गांव स्टेशन से बाहर आने के बाद मुझे वहाँ पे रेंटेड बाइक वाले भाई मिल गए। वो मुझे 500 रुपीज़ में बाइक दे रहे थे, मतलब स्कूटी दे रहे थे, और फाइनली मैंने बार्गेन करके वो 400 रुपीज़ में फ़ाइनल कर दिया। अगर आप भी मड़गांव स्टेशन से रेंटेड बाइक या स्कूटी लेना चाहते हैं तो वो जो भाई है उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनका नाम है राज भाई। तो वहीं से आप एक्टिवा लेके आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे चले जाइए, तो उतना आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगेगा। फिर वहाँ से मैं एक्टिवा लेके आ गया कोलवा बीच, क्योंकि यहाँ पे मेरा होटल है। कोलवा बीच पे मैंने एक होटल अच्छा सा सस्ता ढूंढ लिया जिसका नाम है अमीगो प्लाजा, और वो होटल का डिटेल आप पहले देख लीजिए। तो ये जो है वो होटल का बाहर का लुक है, यहाँ पर आप बैठ के नाश्ता कर सकते हो। मैं आपको पूल साइड दिखाता हूँ। तो ये पूल साइड एरिया है, और ये जो है वो पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे आप कार बाइक पार्क कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ा एरिया है और सब बेसिक एम्यूनिटीज़ है यहाँ पे। ये मुझे होटल बहुत अच्छा लगा रहने के लिए, काफ़ी सस्ता है, अच्छा रूम है, और जितनी भी बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो सब है। ये कपबोर्ड है, टीवी है, बेड है, क्लीननेस अच्छी है, और टॉयलेट वॉशरूम बढ़िया लगा। तो ये जो बजट है उस बजट में ये वैल्यू फॉर मनी है, ये मुझे मिला 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। 3 दिन के लिए मैंने लिया है तो 3000 रुपीज़। इस बजट में इससे अच्छा होटल नहीं मिलेगा, मैंने बहुत रिसर्च किया उसके बाद ढूंढा इसे। और अब जो गोवा टूर है उसकी कुछ बातें कर लेते हैं। गोवा में दो पार्ट है, एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा। जिन लोगों को पार्टी पसंद है और मौज मजा करनी है वो लोग नॉर्थ गोवा जाते हैं, और जिन लोगों को पीसफुल हॉलीडे इंजॉय करना है वो लोग साउथ गोवा आते हैं। तो अगर आपको पीसफुल हॉलीडे इंजॉय करना है तो कोलवा बीच काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और ये जो मेरा होटल है वो कोलवा बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ से जो मड़गांव रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी नज़दीक हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आपको सुबह जल्दी फ्लाइट लेनी है या रात को लेनी है तो उस हिसाब से ये बीच पे स्टे करना ज़्यादा कन्वीनियंट है।